गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो अल्किन, हेलो एवरीवन। इसमें हमने कल पढ़ा था एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड। जो एराइल हैलाइड हैं वो अल्काइल हैलाइड से क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के। और जाना था कि जो एराइल हैलाइड हैं वो क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, किससे, अल्काइल हैलाइड से। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया है। आगे हम केमिकल रिएक्शन और पढ़ते हैं। कल वाली रिएक्शन लिखता हूँ, रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पहली केमिकल रिएक्शन है इसके रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हम इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं। ये मान लीजिए क्लोरो बेंजीन है या कोई भी बेंजीन के ऊपर हैलोजन है, प्लस इसमें क्या डाला, NaOH। और मैंने कंडीशन लगाई थी क्या, एरो के ऊपर कंडीशन क्या लगाई थी, 673 केल्विन टेम्परेचर, 6-7 एटमोस्फियरिक प्रेशर, तब जाके रिएक्शन होता है, ठीक है। और क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है भाई। इस बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट OH लगा हो तो क्या बोलते हैं, फिनोल प्लस, ठीक है। आई बात समझ में। दूसरा अगर कहता है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा हो इस रिंग के ऊपर, कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड विड्रॉ करता हो, ऐसा ग्रुप लगा हो तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। देखो लाइन लिख लो नोट करके, इफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इंक्रीज द रिएक्टिविटी, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन मेटा पोजिशन, नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर प्रेजेंट है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर है तो वो रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑन मेटा पोजिशन तो वो रिएक्टिविटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मान लीजिए और एग्जाम्पल लेता, इस बात को लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मान लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। मान लीजिए मैंने पैरा के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ये क्लोरीन है और यहाँ कोई NO2 लगा दिया। NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आई बात समझ में। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, अब इसमें हमें OH डाले तो हमें इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन हो जाएगा और हमें प्रेशर लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने पैरा पोजिशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जो रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OHNO। नेक्स्ट अगर दो ग्रुप लगा दें तो और भी कंडीशन घट जाएगी। अगर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, ये Cl है, यहाँ क्या लगा दिया, NO2, यहाँ क्या लगा दिया,
NO2। अब इसमें अगर NaOH डालें तो टेम्परेचर और घट जाएगा, 368 केल्विन के ऊपर रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OH। यहाँ NO2 है, ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। रिएक्शन की रिएक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जो तीसरा, अगर तीनों हम लगा दें ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर, तीन NO2 ग्रुप लगा दें, ये Cl है, यहाँ NO2 लगा दें, यहाँ NO2 लगा दें, यहाँ NO2 लगा दें, और अब इस रिएक्शन को जस्ट थोड़ा सा गर्म करते ही प्रोडक्ट बन जाएगा NaOH की प्रेजेंस में, जो क्लोरीन है वो आसानी से हट जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OH। ये NO2 है, ये NO2 है, ये NO2 है, ठीक है, इस बात का ध्यान दें। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस बात से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर लगाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हमें कंडीशन कम लगानी पड़ती है, कंडीशन कम लगानी पड़ती है मतलब रिएक्शन जल्दी हो रहा है, इसलिए हम रिएक्शन को, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, ये जो कंडीशन है ये कम लगाते हैं, ये जो कंडीशन है इनको क्या करते हैं, कम लगाते हैं हम, ठीक है। आगे की बात समझ में। अब नेक्स्ट जो इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम कि ऐसा ग्रुप लगने से होता क्या है, मैकेनिज्म पढ़ेंगे इस रिएक्शन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्सन पूछता है वाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी बट एट बेटा पोजीशन नो इफेक्ट। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए, पर्सन लिख के भी लिख सकते हैं आप कि ऑर्थो और पैरा के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो रिएक्शन का रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसका मैकेनिज्म देखिए। हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये क्लोरोबेंजीन है और इसमें हम क्या डालते हैं, OH नेगेटिव आयन डालते हैं। क्लोरोबेंजीन है, इसमें हम क्या डालते हैं, OH नेगेटिव आयन डालते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, मान लीजिए NO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी साइड रखेगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब देखिए होता क्या है, इसका मैकेनिज्म बनाना शुरू करते हैं कि जो OH नेगेटिव है यहाँ इलेक्ट्रॉन देता है, ये जो OH नेगेटिव है यहाँ इलेक्ट्रॉन देता है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये क्लोरीन है, यहाँ कौन लग गया, OH आयन लग गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या, N पॉजिटिव O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा डिलोकलाइज करवा देगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, जल्दी घूमेगा। नेक्स्ट में क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये Cl है, ये OH है, ये कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, यहाँ कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ कौन लगा था, N पॉजिटिव O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, NO2 का स्ट्रक्चर है ये, और ये कौन सा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या, N पॉजिटिव O नेगेटिव, और ये कौन, डबल बॉन्ड O, यहाँ कौन लगा था, क्लोरीन और OH, और यहाँ कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, क्लोरीन, इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ यहाँ पहुंचेगा और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो देखिए लास्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, जो लास्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ क्या, OH क्लोरीन गया, और ये क्या, N पॉजिटिव O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से जो ये तो हमने कहा पढ़ लिया,
पैरा पोजिशन के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करवाने में मदद करता है, इसलिए NO2 ग्रुप ऑर्थो के ऊपर लगा हो या पैरा के ऊपर लगा हो तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी को फास्ट कर देता है, क्लोरीन को जल्दी बाहर निकाल देता है। अब हम ऑर्थो के ऊपर भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अगर ऑर्थो के ऊपर NO2 प्रेजेंट होता तो कैसे स्ट्रक्चर बनते, सेम एज इट इज, बस इस ग्रुप को का लगा दे, यहां से उठा के मैं इसी में बना दे रहा हूं स्ट्रक्चर, कॉपी में अलग से उतार लेंगे, मैं इसी स्ट्रक्चर को बना दे रहा हूं, सेम एज इट इज रहेगा, बस यहां कौन ऑर्थो के ऊपर कौन लगेगा, यहां से हट के ये NO2 को कहां लगा ले, यहां लगा ले भाई, क्योंकि ऑर्थो के ऊपर होगा तो यहां लगेगा N पॉजिटिव O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहां चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज, इसको अपनी साइड अट्रैक्ट करने की में मदद करता है, यहां नमूना लग के कहां लगा लें, यहां लगा लें N पॉजिटिव O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, इसमें भी क्या करेंगे, यहां से हटा के यहां क्या लगेगा N पॉजिटिव O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, बस क्या क्या है ऑर्थो पोजीशन से हटा के NO2 पैरा के ऊपर लगा देंगे तो भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा और कोई चेंज नहीं होगा, बस NO2 ग्रुप चेंज होगा, NO2 कहां लग जाएगा N O नेगेटिव N पॉजिटिव और डबल बॉन्ड O, ये किसके लिए हो गया ऑर्थो के लिए और ये पैरा के लिए पहले बनाया था, मेटा के लिए अगर बनाएंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो मेटा के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, मेटा के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए कि मेटा के ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं करेगा, मेटा के ऊपर अगर यहां लगाओगे आप एक और बना ही देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मान लीजिए मेटा के ऊपर होता तो क्या होता, यहां होता N पॉजिटिव O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड OH नेगेटिव आयन आता और यहां अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां जाते, स्ट्रक्चर देखिए क्या बनता रेजोनेटिंग, ये वाला बनता, ध्यान दें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां प्रश्न पूछा जाता है यहां कैसा चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहां क्या N पॉजिटिव O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, यहां नेगेटिव चार्ज, ये वाला डबल बॉन्ड ये वाला डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव यहां ये नेगेटिव यहां, देखो नेगेटिव आया मेटा के ऊपर नहीं आया, तो इसलिए मेटा पोजीशन के ऊपर ये काम है नहीं करता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन के ऊपर इतना अच्छे से काम नहीं करता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड अट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन आते नहीं, सीधा आते ऑर्थो और पैरा के ऊपर। नेक्स्ट अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो ये वाला बनेगा, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज ये Cl ये OH, यहाँ क्या N पॉजिटिव O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और जो लास्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, यहाँ OH प्लस Cl नेगेटिव आयन और यहाँ क्या N पॉजिटिव O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, आपने ऐसे शो करना है, कैदे ऑर्थो के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो वो रिएक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड विड्रॉ करता है, नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन देता है ये जल्दी से ले लेता है OH के, OH के इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी लेगा उतना जल्दी बॉन्ड बनेगा, उतना जल्दी Cl बाहर निकलेगा, ऐसे ही आप पैरा के ऊपर दिखा देंगे, मेटा के ऊपर गए कि मेटा जो डायरेक्टिंग ग्रुप है, जो मेटा के ऊपर लगा ग्रुप है वो रिएक्टिविटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्यों, क्योंकि मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती ही नहीं, जब हम क्या बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आता ही नहीं, इसलिए मेटा अट्रैक्ट क्या करेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
ये रिएक्शन हम बार बार पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक जैसे हैं ये। इस रिएक्शन को क्लोरीनेशन बोलते हैं। ये क्लोरीन है प्लस इसमें सीएल टू डाल दिया इन पर दें तो FeCl3, एक बार क्लोरीन ऑर्थो के ऊपर चला जाएगा, एक बार पैरा के ऊपर, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आने वाले को या तो ऑर्थो के ऊपर भेजेगा या पैरा के ऊपर। तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है ClCl और दूसरा क्या बन सकता है ClCl, इसका नाम क्या है क्लोरीनेशन। अगर ब्रोमीन के साथ करवाओगे तो रिएक्शन का क्या नाम हो जाएगा ब्रोमीनेशन। दूसरा रिएक्शन नाइट्रेशन, आपने पढ़ा है 11th क्लास में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं HNO2 के साथ। तो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है उसमें हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं HNO2 के साथ या HNO3 के साथ करवा सकते हैं आप। इन वैलेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, थोड़ा सा एसिड डाल देंगे H2SO4, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे उसका नाम क्या नाइट्रेशन। और इससे ग्रुप कौन सा लगता है NO2, बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लगता है NO2, एक बार ऑर्थो के ऊपर लगेगा एक बार पैरा के ऊपर लगेगा, इस रिएक्शन का नाम क्या है नाइट्रेशन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप लगा दिया हमने। नाइट्रो ग्रुप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन। तीसरा रिएक्शन है ये सारे एक साथ पढ़े जाते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन इसका किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें कौन सा ग्रुप लगता है SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं उसको। ये क्लोरीन है SO3H, इसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं Cl और SO3H, सल्फोनेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट कौन सी आती है क्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन आते हैं वो क्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसको एफसी एल्काइलेशन भी बोलते हैं। क्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एफसी एल्काइलेशन क्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें देखिए होता क्या है जो बेंजीन रिंग है वो रिएक्शन करता है किसके साथ CH3Cl के साथ, क्या बार हो जाता है यहां से HCl, एक बार CH3 यहां एक बार CH3 यहां, ये क्लोरीन एक बार यहाँ CH3 अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया हमने, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है क्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये फोर्थ रिएक्शन हो, फिफ्थ क्या होती है क्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इसमें कौन सा ग्रुप लगता है एसाइल ग्रुप लगता है, ये Cl है प्लस CH3COCl, यहाँ H है यहाँ से क्या बार होगा HCl, यहाँ क्या लगेगा COCH3, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा Cl, यहाँ क्या COCH3 और यहाँ क्या COCH3, ये क्या क्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लोरीनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन क्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन प्रत्येक चैप्टर में पढ़ेंगे और सब चैप्टर में यहाँ बस कुछ और ग्रुप होगा लेकिन यहाँ क्या लगेगा CH3CH3, यहाँ क्या लगेगा COCH3, नाइट्रेशन है तो क्या लगेगा NO2NO2, सल्फोनेशन है तो क्या लगेगा SO3H SO3H, कोई भी ग्रुप हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्येक चैप्टर में आएगी और यही सेम एज इट इज। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर के, एक रिएक्शन में थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं, रिएक्शन देखो ऐसे ही है दोनों लगभग सेम है, देख ध्यान दे भाई, यहाँ मान लीजिए CH3 लगा हुआ है प्लस मैंने इसमें डाल दिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO या लाइट, और दूसरा रिएक्शन यही रिएक्शन है प्लस Cl2 ये इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 है, दोनों रिएक्शन एक जैसे हैं, टोल्यून है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, कंडीशन अलग है, एक रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है, तो ये कैसी है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला बनेगा ये CH3 है, क्लोरीन एक बार यहां लगेगा और प्रोडक्ट एक बार यहां बनेगा, लेकिन इसमें लाइट के साथ रिएक्शन है
सी एच सी एल बाहर होगा और सी एच टू सी एल बनेगा, इसको बोलते हैं बेंजाइल पोजीशन। इस पोजीशन को बोलते हैं सी एच टू प्लस एच सी एल बेंजाइल पोजीशन। अगर लाइट के प्रेजेंस में है तो क्लोरीन यहां जाएगा, और अगर FeCl3 की प्रेजेंस में है तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर जाएगा। रिएक्टेंट आप एक जैसा देख रहे हैं इस रिएक्शन को, इसीलिए मैं यहां पढ़ता हूं एक साथ। रिएक्शन पहले आ गई थी लेकिन पहले ना पढ़ के इसको यहां एक साथ देखें ताकि दोनों में डिफरेंस समझ में आए। ये लिखते ये लिखते ये एरो के ऊपर लिखते हो कई कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपने उस समय इस बात का ध्यान देना है। लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन है। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, इनको भी तीनों रिएक्शन को मैं एक साथ लिख देता हूं। पहली रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन। इसमें क्या होते हैं, दोनों अल्काइल हैलाइड होते हैं और सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। दोनों अल्काइल हैलाइड होते हैं बिना बेंजीन वाले और सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या होता है, टू NaCl बाहर, बच गया क्या CH3 प्लस टू NaCl। इस रिएक्शन का नाम है वर्ड्स रिएक्शन। ये पहले पढ़ चुके हैं हम, लेकिन मैं आज इनको एक साथ लिख रहा हूं ताकि आप अलग अलग याद ना रखने पड़े, इनको एक साथ याद रखेंगे। दूसरा जो रिएक्शन है वो वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, दूसरा जो रिएक्शन है वो है वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक तो होता है अल्काइल हैलाइड और एक होता है बेंजीन रिंग वाला। एक तो अल्काइल हैलाइड होता है और एक होता है बेंजीन रिंग वाला। 2NaCl बाहर और जो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा, CH3। बेंजीन के साथ क्या लगा दिया, CH3 प्लस 2NaCl। अगर दोनों अल्काइल हैलाइड है, दोनों बिना बेंजीन रिंग वाले हैं, तो इस रिएक्शन का नाम है वर्ड्स रिएक्शन। एक अगर बिना बेंजीन वाला है और एक बेंजीन वाला, एक में अल्काइल हैलाइड है एक एराइल हैलाइड है, वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है, इस रिएक्शन का नाम वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। और लास्ट रिएक्शन है फिटिक, फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होते हैं, दोनों बेंजीन रिंग वाले होते हैं, दोनों एराइल हैलाइड होते हैं और सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं। दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे जिसको क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बोलते हैं। ये ऐसे जुड़ जाएंगे बेंजीन रिंग, इसका नाम है डाइफिनाइल या बाइफिनाइल प्लस 2NaCl। तीनों रिएक्शन एक जैसे हैं इसलिए मैंने एक जगह लिख दिए, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। मेटल के साथ रिएक्शन करके तीन रिएक्शन है, पहले भी आई थी और आज भी मैंने लिख दी। इन तीनों को आप एक साथ ध्यान रखेंगे, 2NaCl बाहर होगा, दोनों अगर अल्काइल है तो फिट वर्ड्स रिएक्शन, एक अल्काइल है एक एरीन है तो फिट वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, और दोनों अगर बेंजीन रिंग वाले हैं तो उस रिएक्शन का नाम क्या, फिटिंग रिएक्शन। और कल हम मैं कुछ रिएक्शन करवाऊंगा, प्रॉब्लम और प्रैक्टिस है वो, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसका टेस्ट